हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने चैनल अक्को इंजीनियरिंग फैमिली में। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब अपडेट वैकेंसी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग कभी मैकेनिकल वाले कमेंट कर रहे थे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि हमारे लिए वैकेंसी लाओ, या फिर कभी इलेक्ट्रिकल वाले मैसेज कर रहे थे कि भाई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब बताओ, आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक ही कंपनी में दोनों के लिए मैं जॉब बताने की कोशिश करूँ। तो आज का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये दोस्तों पुणे में इसका दो ब्रांच है, एक प्लांट इसका हिंजोड़ी फेज टू में है और दूसरा प्लांट चाकन में है। तो ये जो वीडियो है, ये वैकेंसी है दोस्तों, ये चाकन प्लांट के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिव पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ऑटोमेटिव पार्ट बोले तो जैसे हमारे फोर व्हीलर का हो गया, फोर व्हीलर का गियर बॉक्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा गियर बॉक्स क्या होता है। अगर आप मैकेनिकल से कहीं ना कहीं होंगे तो गियर बॉक्स के अंदर बहुत छोटे छोटे गियर्स होते हैं, 5-6-7 गियर्स होते हैं, और उसके साथ छोटे छोटे शाफ्ट भी लगे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहाँ पर असेंबल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर मैकेनिकल वालों के ही रिक्वायरमेंट होता है, अक्सर यहाँ पर दोनों लोगों का मतलब वैकेंसी आता है दोनों लोगों के लिए। क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं, चाहे गियर हो गया चाहे शाफ्ट हो गया, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये कहीं ना कहीं सीएनसी और बीएमसी या फिर एचएमसी मशीनों पे होता है। तो मैकेनिकल वाले तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर के तौर पे वहाँ पे लग जाते हैं मशीन चलाने के लिए, लेकिन मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल वालों की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की ज़रूरत होता है। तो मेंटेनेंस वालों के लिए इलेक्ट्रिकल वालों का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो यहाँ पर अभी फ्रेशर वालों के लिए रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर कहीं ना कहीं आप डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हो, तो यहाँ पे आप आने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे जो दोस्तों आपकी सैलरी होने वाला है, 15,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा सैलरी 8 घंटे का। और दोस्तों, ओटी का कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है और ओटी कभी देखने को नहीं भी मिल सकता है। तो ओटी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको 8 घंटे वहाँ पर जॉब तो मिलेगा ही। और वहाँ पे जैसे कि हर कंपनी में होता है कि आपको मतलब 26 दिन ही ड्यूटी करना पड़ेगा, 4 संडे को काटकर 26 दिन का आपको सैलरी देखने को मिलेगा 15,000। वैसे तो यहाँ पे दोस्तों अक्सर दोनों के लिए वैकेंसी निकलता है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस वाले हो, लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो 9 और 10 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, 9 और 10 मई को। जैसे कि आज 7 तारीख हो गया, कल परसों 9 तारीख हुआ, उसके बाद 10 तारीख, 9 और 10 तारीख को 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। आप जिस दिन मतलब रेडी हो, जिस दिन आपके पास टाइम हो, 9 और 10 तारीख को वहाँ पे कंपनी गेट पे चले जाएं डायरेक्ट। एक्चुअली वहाँ का नंबर वगैरह तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले अपना जो एचआर होते हैं वो अपना नंबर कभी जल्दी किसी को देते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको वहाँ का जो एड्रेस है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल देता हूँ, ताकि आप उस एड्रेस पर आसानी से जा सको। और दोस्तों, ये जो एड्रेस है ये दोस्तों पुणे के चाकन एरिया का है। तो जब चाकन एरिया आप जाओगे तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं बार बार इस चीज़ से आपको अलर्ट करते रहता हूँ कि चाकन में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे मतलब प्लेसमेंट वाले होंगे जो कि बोलेंगे कि मैं आपको कंपनी से लगवा दूँगा, परमानेंट लगवा दूँगा। तो दोस्तों, कभी भी उन सब लोगों के बात में ना आना, उनको किसी भी तरह से उसके बहकावे में ना आना, उसको किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स अपना शेयर नहीं करना। जो मैं एड्रेस देता हूं या फिर जो नंबर देता हूं, उसी नंबर पे या फिर एड्रेस पे जाया करो आप लोग। किसी भी कारण से आपको वहां पे जॉब नहीं लगता है। हो सकता है कि मैं आज आपको वीडियो बनाऊं, आप कल मतलब दोपहर में जाओ। दोस्तों, कोई भी वैकेंसी निकलता है ना तो बहुत सारे वहाँ पर लोग चले जाते हैं, निकलती है 15 से 20 वैकेंसी, तो वहाँ पर 2 से 3 घंटे के अंदर वहाँ पर वैकेंसी बंद हो जाता है। क्योंकि जब वैकेंसी निकलता है ना दोस्तों, वहाँ पे जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपने अपने बंदे को कॉल करके बुला लेते हैं। तो 6-7-8 बंदे तो आराम से उसी टाइम मतलब बुक हो जाते हैं वहाँ के लिए। तो 10-12 बंदे तो आराम से मतलब डेली कंपनी गेट पे घूमते रहते हैं, तो उसी को वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जब आप जाओ तो आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगले वैकेंसी का वेट कर लिया करो। डेली चैनल पर वैकेंसी आती रहती है डेली। आप इस चैनल पे बने रहो, आपको कहीं ना कहीं डेली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको जो अच्छा लगता है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप उस पर फोकस करके उस कंपनी में जा सकते हो। लेकिन कभी भी गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों।
मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी को भी एक रुपया क्या एक पैसे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का एक पैसा किसी भाई लोग का खर्च हो इन सब मतलब छोटे मोटे जॉब के लिए, क्योंकि हमें भी पता है दोस्त पुणे कितना महंगा सिटी है। यहाँ पे मैं भी आया था तो हमारा भी बहुत खर्च हो गया था, क्योंकि मतलब कंपनी विजिट करना, डेली आ जाओ कल आओ, इन सब चक्करों में जो हमारा भाड़ा होता है किराया होता है, मतलब शुरू में बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब सिर्फ जॉब पाने के लिए आपको 5,000-10,000 रुपया खर्च करना पड़े, फिर आपको यहाँ पे रहने का तो मतलब खर्च बहुत है ही। तो किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है जॉब के नाम पे। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो, कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस दिया हुआ है। आप मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस देख के, उसका लोकेशन देख के आप उस मतलब कंपनी के गेट पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना 9 और 10 मई को इंटरव्यू होने वाला है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर आता हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, डेली आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मतलब वैकेंसी ला ही देता हूँ। तो बाय दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।